सपेरे थे कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था, तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुंचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाख हो पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक उस जमीन में अपना खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस जमीन से कुछ उगा ही नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा।
अब मैं इस खेत का क्या कर सकता हूँ? मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तभी बिरजू की नजर वहां से थोड़ी दूरी पर बने एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या ये बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी इस बिल को नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हो, इसलिए मैं इस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पा रहा हूँ। अब मुझे उन्हें मनाना ही होगा। बिरजू एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध ले आया। बिरजू ने वो कटोरा बिल के बाहर रखा और बोला, हे नाग देवता, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ वास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मन पसंद दूध लाऊंगा। अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर बिरजू वहां से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने के लिए वहां पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कटोरे में एक सोने का सिक्का था। हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के बिल के बाहर रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को एक सोने का सिक्का मिल जाया करता। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है, बिरजू अपने घर में चारपाई पर बैठा था, जब उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया। बाबा, बाबा! अरे आगे भी कुछ बोलेगा या सिर्फ बाबा बाबा ही चिल्लाएगा? काकी ने संदेश भेजा है कि घनश्याम दादा नहीं रहे। क्या, घनश्याम काका नहीं रहे? हे भगवान, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर से सुनो। हमारे खेतों के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज एक कटोरी भर दूध पहुंचाना है और जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे बड़ी सावधानी से अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है? बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन, जैसा कि बिरजू ने समझाया था, दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद जब वो कटोरा लेने वापस पहुंचा, तो वो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वो लौटा, तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग के बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये नाग बहुत ही कंजूस है, इसीलिए रोज सिर्फ एक ही सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भर दूध लाया। उसने वो कटोरा बिल के बाहर रख दिया और फिर दूर छुपकर
नाग देवता के बाहर निकलने की राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपने बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर एक लाठी से हमला बोल दिया। नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने घर में जमी भीड़ देखी और जब उसने अपने बेटे को मृत पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक रोने के बाद बिरजू वहां से उठा। वो नाग देवता के बिल के बाहर पहुंचा। नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही डस लिया। मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपने मेरे ही बेटे को डस लिया। बिरजू का रोना सुन नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मार कर सारे सोने के सिक्के हथियाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने हमेशा मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दे दिया और वो बिरजू के खेत से चले गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।